जाए। हमने, हम मुसलमानों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये यादव की पार्टी है, कि ये कुर्मी की पार्टी है, कि ये फला की पार्टी है। हमने कहा ये मेरे देश का नेता है, ये मेरा भाई है, मैं इसके पीछे चलूंगा। लेकिन आज आज हमारा लीडर एक खड़ा हो जाता है, मुसलमान टोपी लगा के दाढ़ी लगा रखे हुए, तो उसको एजेंट कहा जा रहा है, उसको दलाल कहा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही। नायम सिंह खड़े होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कहते मोदी जी हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनो। पता है क्यों कहते हैं? मैं आज बता दूं नौजवानों क्यों कहते हैं मालूम तुमसे? वो इसलिए उन्होंने कहा, यादवों से कहा कि मैं चाहता हूं मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो यादवों के अंदर एक मैसेज चला गया कि अब की 2019 में वोट कहां डालना है। सबने जा जाके बीजेपी को दबाया। एक मिनट आप सुनिए पहले, हमारी आज तक जितनी सरकार आ गई आज तक यही हुआ, हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए यार, भाईचारा होना चाहिए। सरकार किसी की भी आए लेकिन हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए। जिंदा पैसा कमाने के लिए लोगों ने राजनीति करी है और इन लोगों ने आज तक मुस्लिम समाज को और हमारे वोट को कभी जिंदगी में ना अहमियत दी है ना कभी ये देंगे। हाँ, कौन लगा रहा है? अखिलेश थोड़ी लगा रही है, बीजेपी थोड़ी लगा रही है, उनके यहाँ के लोग ही तो लगा रहे हैं ना, और वो भी आप ही हमने हाँ, सही है। नहीं, हमने नहीं लगाया। बीजेपी ने गाय चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और जमीन चोरी, हर चीज लगा दी उनके ऊपर। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, मुलायम सिंह खड़े होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कहते मोदी जी हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनो। पता है क्यों कहते हैं? मैं आज बता दूं नौजवानों क्यों कहते हैं मालूम तुमसे? वो इसलिए उन्होंने कहा, यादवों से कहा कि मैं चाहता हूं मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो यादवों के अंदर एक मैसेज चला गया कि अब की 2019 में वोट कहां डालना है। सबने जा के बीजेपी को दबाया। हाँ, उसके वो नहीं पूछते हैं। अभी उनके क्या नाम, उनका आरएसएस के क्या नाम, उनका मोहन भगवत, उनके साथ बैठे हो, कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी के कान में अखिलेश भैया क्या कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे थे, हमें तो लगता है ये कह रहे थे कि रिवर फ्रंट बनवाया है मेरे बेटे ने, देख लेना, हाँ दूर रहना। तो उन्होंने कहा होगा तो भैया हमको तो कुर्बानी चाहिए। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है भैया, आदम खान मुसलमान तो कुर्बानी देने के लिए तैयार ही रहता है। तो आज आदम खान जेल में है, ना, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि नाइंसाफी किसी के साथ हो, हम मुसलमान हैं, हम नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो कोई हो, नाइंसाफी के खिलाफ हम खड़े हैं। आदम खान के साथ नाइंसाफी हुई है, बाकी चचा ने जो कहा हम इनके साथ भी खड़े हैं। चचा सही कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, आप खामोश थे, ये हकीकत है, आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आदम खान साथ गलत हुआ, गलत है। बीजेपी को वोट दोगे तो आदम खान जेल में रहेंगे। अगर आदम खान को जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट देना होगा। अमित शाह ने मुरादाबाद में कहा है, खुलकर कहा है, सबके सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है, सारा जमाना सुन रहा था उसे। तो आदम खान को जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट करना है। तो पूछता है कि आजमगढ़ और रामपुर की दूरी कितनी है, तो मैं कहता हूँ 1 साल की दूरी है। 1 साल हो गए आजम खान को, 1 साल से ऊपर हो गया आजम खान के पास। कितनी बार गए अखिलेश यादव और किस लिए नहीं जाते, ये भी सुन लो सब लोग। हम लोग अब छुप के नहीं बोलेंगे, अब जो बोलेंगे खुल के बोलेंगे। अखिलेश यादव इसलिए नहीं जाते आजम खान के पास कि उनका वोटर नाराज ना हो जाए। हमने, हम मुसलमानों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये यादव की पार्टी है, कि ये कुर्मी की पार्टी है, कि ये फला की पार्टी है। हमने कहा ये मेरे देश का नेता है, ये मेरा भाई है, मैं इसके पीछे चलूंगा। लेकिन आज आज हमारा लीडर एक खड़ा हो जाता है, मुसलमान टोपी लगा के दाढ़ी लगा रखे हुए, तो उसको एजेंट कहा जा रहा है, उसको दलाल कहा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही, उसको वोट कटवा कहा जा रहा है। नहीं सुनिए, कोई और क्यों कहे, ये लोग हैं। हमने, मेरे भाई ऐसा है, हमने वक्त बदल चुका है, हमने सारे लोगों को वोट देकर देख लिया, अब हमारी बारी है। हमें नहीं उठाया कि साहब सपा के मंच पे मुस्लिम नेताओं का बहिष्कार हो रहा है, उन्हें धकेला जा रहा है मंच से, तो वो आएंगे हमारे साथ। लेकिन वो खुश है, वो अभी नहीं कह रहे हमारा मंच है, आएंगे, हमें उम्मीद है। हमें अभी बहुत सारे नेताओं को अपने पास लाना है। इसका मंच कौन सा मंच, समाजवादी का मंच, जहाँ से धक्के दिए जा रहे हैं? किसका? नहीं, किसका मंच? आप लोगों का। हमारे मंच तो आपके सामने है,
अल्हम्दुलिल्लाह इतने से लेके इतना तक सब आपको दिखेगा। वो भी तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मंच पे हैं और हम जाने हमें हम चाहे नीचे बैठे हम चाहे ऊपर बैठे ये कौन उनके उनके दर्द समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का दर्द पूछो। एक निकल के आया उसने कहा कि मेरी बेइज्जती तो सबके सामने हो गई और कितने हैं जिनके अंदर होती। अभी भी तो समीरुल्लाह है कौन उन्होंने तो कहा ये बात कि आपने मेरी बेइज्जती तो देख ली लेकिन मुसलमान कैसे लाइन लगाए सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए दो दो घंटे खड़ा रहता है आपको मालूम नहीं है ये सब अंदर की बातें हैं। अभी तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी तो वो उसी में ही है भैया वो उनको फायदा उनको टिकट चाहिए ठीक है टिकट चाहिए आप टिकट लो। अखिलेश भैया तुम संघर्ष करो हम ओवैसी के साथ है हमारा ये नारा है। अखिलेश भैया ये जवानी आपके नाम है ये जवानी सुनो ये जवानी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। ये मुसलमान सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरता है। हम समाजवादी नहीं हम मोहम्मदवादी हैं हम इंसाफ करना पसंद करते हैं इंसाफ करो। अब आप धर्म और आस्था को लिए भाई अब ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एक सेकंड बिल्कुल है ये बीजेपी का नहीं है बिल्कुल हम धर्म के नाम पर सुनिए सरकार कोई भी हो लेकिन भाईचारा रहना चाहिए सबसे बड़ी बात। सुनो भाईचारा कैसे रहेगा अब एक बात मेरी सुनिए एक मिनट अब से कितनी भी सरकार आ गई कितनी भी सरकार आ गई लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम यार ये गलत है ये नहीं होना चाहिए ना ये सब विकास के मुद्दे में बात करनी चाहिए ये नहीं होना एक मिनट ये नहीं होना एक मिनट आप सुनिए पहले हमारी आज तक जितनी सरकार आ गई आज तक यही हुआ हिंदू मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए यार भाईचारा होना चाहिए सरकार किसी की भी आए लेकिन हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं होना चाहिए भाईचारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई ये होना चाहिए सही बात है ये भाईचारा खत्म कर दिया इन लोगों ने जितनी भी सरकार आ गई आज तक यही होता रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है यही कोई सी पार्टी आ रही है भाईचारे के लिए आ रही है ताकि हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आ रही है ये पार्टी समझ रहे हैं आपके हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ रही है ऐसा कुछ नहीं है ये सब भाईचारे के लिए आ रहे हैं सब भाईचारे को लेकर चलेंगे ये लोग। यहाँ की जो हमारी डिंगरपुर की आवाम है यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो है बहुत तगड़ा बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है 8-10 हज़ार गाड़ियाँ हैं यहाँ और ये सरकार को टैक्स पे करते हैं जाहिर सी बात है हर गाड़ी कम से कम महीने में 10,000 रुपये टैक्स पे करती है। उसके बावजूद जो है यहाँ के रहनुमा जो यहाँ के राजनीतिक लोग थे वो खाली उन्होंने राजनीति का मतलब होता है राज खाली करना नहीं होता नीति भी होनी चाहिए। अब यहाँ की 90% जनता तो थी पहले आज डॉक्टर शबीबुर रहमान बर्क साहब को जिता दी थी उसके बाद हाजी रिजवान साहब को जिताया उससे पहले हाजी अकबर को जिताया मगर यहाँ की जो है आप खस्ता हालत ये देखिए यहाँ तो ना तो कोई खेल का मैदान ना कोई अस्पताल का जिम्मेदार कौन है मैं बता तो रहा हूँ आप सुन आपने नाम गिन भाई सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए अभी जो बात चल रही थी उसी पे अभी जो बात चल रही थी बात मेरी कंप्लीट होनी थी मैं अभी आया हूँ नहीं तो कोई स्कूल यहाँ बन पाए रोड की हालत देख लीजिए आप कुंदर की डिंगरपुर से कुंदर की चले जाइए इतने गहरे गड्ढे हैं तो यहाँ की जो आवाम थी यहाँ की जो जनता थी वो कभी हाजी रिजवान कभी हाजी अकबर कभी डॉक्टर बर्क कोई भी यहाँ विकास नहीं कर पाए। सबसे तंग आकर जो है अब असदुद्दीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाए हैं इंशाल्लाह अगर वो जीतते हैं तो यहाँ विकास हो सकता है। यहाँ पर मैं एक सेकंड अभी आपसे बात करूँगा आपने जितने नाम गिनवाए सांसद विधायक वो कौन है और आप लोगों ने चुना तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी जिम्मेदारी हमारी है भाई लोग नहीं है हमारी है हमारी अब आँख खुल गई नहीं अब आँख खुल गई हमारी पहले समझते नहीं थे जिम्मेदारी पार्टी की होनी चाहिए। देखिएगा मैं अभी भी आपसे ये बात कह रहा हूँ सरकार अब तक इससे पहले जो भी आई है सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम यही होता आ रहा है लेकिन यार ये सब हम सबका देश है विकास को एक बात मुद्दे पर बात करनी चाहिए ताकि ये नहीं है हिंदू मुस्लिम पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल विकास के नाम पे काम होगा हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई सब लोग भाईचारे से रहते हैं हमारा जो एरिया है ये सब भाईचारे से रहता है ताकि हिंदू मुस्लिम तो कोई मतलब नहीं है आप तो सबके लिए सबका देश है आपका भी तो यही है ना यहाँ के वोटर इसलिए हाजी रिजवान के साथ जाते हैं कि कहीं बीजेपी का नहीं निकल जाए यही बात वो कह रहे हैं हमारा सब भाईचारे पे बोले सब विकास के मुद्दे पे बात होगी हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बात होगी बिल्कुल। अभी आपने कहा मेरे भाई जैसे कि आपने बताया कि आप जो है इन लीडरों को चुनकर भेजते हैं हमने हाजी रिजवान को चुना
उनको विधानसभा भेजा, हाजी अकबर साहब को चुना उनको विधानसभा भेजा, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब को भेजा उनको लोकसभा चुन के उनको भेजा। हमने उनको इसलिए चुना था ताकि वो हमारी बात लोकसभा में और विधानसभा में जाके रखे, ये नहीं इसलिए नहीं रखा था कि ताकि वो लोग पैसे कमा के अपना घर रखे। ना हमारे एरिया में कोई डिग्री कॉलेज दिया है, ना गवर्नमेंट कॉलेज दिया है, ना मेडिकल कॉलेज दिया है। इन सारे लोगों ने अपने अपने घर आज भी भरे हैं। आज को आपको मैं बता दूं, डॉक्टर आपको मैं बता दूं, हाजी अकबर जिनका नाम है उनके दो बच्चों ने MBBS किया है। अब आ जाइए हाजी रिजवान के जो साहबजादे हैं हाजी कल्लन, उन्होंने 1000 बीघे जमीन ली है। आप ये बता दीजिएगा विधानसभा 29 में किसने शिक्षा के लिए काम किया है? यह कुंदरकी का जो हमारा आप रोड है डिंगरपुर से कुंदरकी आप मेरे साथ चलिए, यहाँ तक रोड है। हम लोग वहाँ पर चलने के लिए इतने परेशान है, वहाँ पे अभी पिछले साल लोगों ने धान लगाए थे, धान मेरे भाई। तो इन लोगों ने हमारी जनता की, जितनी भी जनता ने इन्हें वोट दिया था, उन्होंने कभी जिंदगी में उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया है। सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए जिंदा पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने राजनीति करी है। और इन लोगों ने आज तक मुस्लिम समाज को और हमारे वोट को कभी जिंदगी में ना अहमियत दी है, ना कभी ये देंगे। इसीलिए हमने AMIM बैरिस्टर जीतू निवासी साहब को अपना मसीहा चुना है। और मरते दम तक हम उवैसी साहब के साथ खड़े रहेंगे विधानसभा 29 में। हाफिज मोहम्मद बारिश साहब जो संभावित प्रत्याशी है, उन्हें हम इंशाल्लाह 2022 में विधानसभा विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे, ताकि वो हम लोगों की बात रख सके और ताकि हम लोगों को इंसाफ दिला सके। आजाद दिनों वासी साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा भाई ने भी कहा कट्टरपंथी पे, आपने पूछा कि आप सुनिए आप